हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने जो है वीडियोस पे कमेंट किया इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि सर, जो ट्रैकमैन होते हैं वो गेटमैन कैसे बन सकते हैं। देखो, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर जो भर्ती आई थी उसमें टोटल 17 तरह की पोस्ट थी और उन 17 तरह की पोस्ट में गेटमैन की पोस्ट नहीं थी। लेकिन जो गेट हैं वो प्रॉपर चलते हैं और वहाँ पर ड्यूटी भी लगती है। तो सवाल ये उठता है कि जो गेट पर ड्यूटी करते हैं वो कौन होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो जो है आपके ट्रैकमैन ही होते हैं और आपके पॉइंट्समैन होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि पॉइंट्समैन और गेटमैन दोनों गेट पे ड्यूटी कैसे करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो गेट होते हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, गेट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका ऑपरेटिंग गेट होता है, दूसरा आपका इंजीनियरिंग गेट होता है। जो गेट आपके स्टेशन के बिल्कुल पास होता है, यानी कि जहां से स्टेशन की एंट्री है उसके बगल में होता है, वो आपका ऑपरेटिंग गेट होता है। वहां पे जो ड्यूटी लगती है वो आपकी पॉइंट्समैन की लगती है, यानी कि वहां पे गेटमैन ड्यूटी नहीं करता है, स्पेशली वहां पे पॉइंट्समैन ड्यूटी करता है। उसी का काम होता है गेट को बंद करना, गेट को खोलना, स्टेशन मास्टर के कमांड में रहकर वो काम करता है। दूसरे जो आपके गेट होते हैं वो इंजीनियरिंग गेट होते हैं। ये वाले जो गेट होते हैं बेसिकली दो स्टेशन के बीच में होते हैं, यानी कि स्टेशन के पास नहीं होते हैं। तो जो गेट आपका दो स्टेशन के बीच में होगा, स्टेशन के पास नहीं होगा, वो वाला आपका इंजीनियरिंग गेट कहलाता है और वहां पे ड्यूटी लगती है ट्रैकमैन की। अब यहां पे सवाल उठता है कि एक जो ट्रैकमैन है वो गेटमैन कैसे बन सकता है, क्योंकि ओपन वैकेंसी में तो गेटमैन की पोस्ट नहीं थी। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखो, होता क्या है कि जो आपके ट्रैकमैन होते हैं, मान लो आपने ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पे ज्वाइन किया, उसी में से आपके गेटमैन सेलेक्ट किए जाते हैं। अब ये गेटमैन सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या यहां पर कोई एग्जाम होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कोई एग्जाम नहीं होता है। सिंपली आपको क्या करना होता है, जैसे आपने ट्रैकमैन की पोस्ट पर ज्वाइन किया तो आपको क्या है कि अपने सेक्शन ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि सर, मैं गेट पे ड्यूटी करना चाहता हूं। जो आपके पीडब्ल्यूआई होते हैं, यानी कि जो परमानेंट वे इंचार्ज होते हैं, उनको आप एप्लीकेशन देके सेक्शन ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन के आधार पर ही जो है आपको गेट पे ड्यूटी मिल जाती है। हालांकि इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग आपकी इनिशियल 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग में आपको बता दिया जाता है और उसके बाद आपको गेट पे ड्यूटी दे दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? जैसे मान लो कि एक स्टेशन पर तो 20 से 30 अगर ट्रैकमैन है, तो वो अगर सभी अप्लाई कर दें गेट की ड्यूटी के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो गेट की ड्यूटी के लिए सभी प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब सभी की प्रेफरेंस ये नहीं होता है। गेट पे ड्यूटी करने के लिए वही एप्लीकेशन लगाता है या तो जो आगे फ्यूचर वैकेंसी के लिए पढ़ाई करना चाहता है। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रैकमैन में हो तो ट्रैकमैन में मैंने आपको ड्यूटी शेड्यूल एक वीडियो में बताया था, परसों वाली वीडियो में, कि वहां पर 11 से 12 घंटे की ड्यूटी बन जाती है, तो पढ़ाई का टाइम नहीं बचता है। तो जैसे कुछ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी गेट पर लग जाए, क्योंकि वहां पर पढ़ाई का अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है। दूसरा, जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं जहां पर ट्रैकमैन ड्यूटी करते हैं, वहां पर ज्यादा काम नहीं रहता है, तो आराम से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो देखो, जो पुराने एम्प्लॉय होंगे वो गेट की ड्यूटी के लिए नॉर्मली अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जो नए एम्प्लॉय होते हैं वो गेट की ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं। मान लो वहां पे जो है काफी सारे एप्लीकेशन चली जाती है, 10 से 12 एप्लीकेशन चली जाती है, तो किसको वरीयता दी जाएगी? तो वहां पर वरीयता दी जाती है जो पहले एप्लीकेशन दे देता है। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन आपने दे दी, आपको वरीयता दे दी जाएगी और आपको गेट की ड्यूटी मिल जाएगी। फ्यूचर में अगर आप गेट की ड्यूटी छोड़ते हैं तो दूसरे एम्प्लॉय को गेट की ड्यूटी मिल जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। अब बात करें दोनों में बेहतर कौन है। देखो, अगर आप अपनी जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, थोड़ा सा जो काम है वो आप चाहते हो कि भाई ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, तो आप यहां पे गेटमैन की पोस्ट ले सकते हैं। मतलब गेटमैन वाली ड्यूटी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, पूरी 12 घंटे की रहेगी। जैसे ट्रैकमैन में तो ड्यूटी 8 घंटे की रहती है, लेकिन लंच वगैरह को अगर मिला दें तो 10 से 11 घंटे बन जाता है, लेकिन मेन काम आपका 8 घंटे का ही रहता है। तो अगर आप 8 घंटे काम करना चाहते हैं, आप गैंग में यानी कि अपने ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप ट्रैकमैन को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहकर अपनी पढ़ाई को थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी आप ले सकते हैं, तो आप गेटमैन पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि गेटमैन के अलावा एप्लीकेशन देके और गेट की ड्यूटी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर दोनों ही पोस्ट अपने आप में बेहतर है। जो ट्रैकमैन है वो ग्रुप में काम करते हैं, तो वहां पर मन लगा रहता है, हालांकि थोड़ा हार्डवर्क रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो छुट्टी वगैरह है वो आपके ट्रैकमैन को आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ग्रुप होता है, तो ग्रुप से एक दो बंदे को अगर इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए तो आराम से जो आपके इंचार्ज हैं वो छुट्टी आपको दे देते हैं। गेटमैन यानी कि अगर गेट पे आपकी ड्यूटी है तो छुट्टी मिलना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 12 घंटे की आपकी ड्यूटी है और 2 एम्प्लॉय होते हैं, तो छुट्टी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, वहाँ पर आप अकेले रहेंगे, ठीक है, नाइट ड्यूटी भी लगती है वहाँ पर। और एक यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी मिल जाता है, अगर आप गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मली ट्रैकमैन में नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, दिन में आप काम
करते हैं, लेकिन गेट पे जो है आपकी ड्यूटी रात को भी लगती है, इसलिए नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको मिल जाता है। तो दोनों ही पोस्ट अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया हैं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या चूज़ करते हैं। तो अगर आप गेट पे ड्यूटी चाहते हैं तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे एप्लीकेशन अपने जो है सेक्शन ऑफिस में ज़रूर लगा दें, ताकि जैसे वहाँ पर जो पुराना गेट पर कोई अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, गेट की ड्यूटी कर रहा है, जैसे वो वहाँ से ड्यूटी से हटेगा तो आपको वरीयता दी जाएगी और आपको गेट पर ड्यूटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली एक ट्रैकमैन गेट पर ड्यूटी कर सकता है। और आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन बेहतर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।